भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सांसद सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल, समरीलाल, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और पार्टी के कई नेता शामिल हुए। मुलाकात के बाद सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, जिसके कारण आए दिन हत्या हो रही है। भाजपा नेता को टारगेट किया जा रहा है, कानून का डर खत्म हो गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा नेता राजेंद्र साहू के हत्यारे की गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिए जाने की मांग की, जिस पर डीजीपी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और अब तक कई अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जल्द ही सभी मामले का खुलासा भी किया जाएगा। जो भाजपा के नेता थे, उसके पूर्व हमारे सिमरिया के दो लोग जूस चलाते थे, मुकेश और उनके भाई, और इसी तरह से अन्य जो हत्याएं हुई, तो इसमें अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला, कोई एक निश्चित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते लोगों में खौफ है। तो इसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माना डीजीपी साहब से मिलने आया था और इसी संबंध में हम लोगों ने डीजीपी को ज्ञापन दिया है और उनसे बातचीत हुई है। डीजीपी ने क्या कहा? डीजीपी ने अभी तो ये बताया है कि नई इन घटनाओं में कार्रवाई हुई है और उनका कहना था कि लातेहार वाले भी, बालूमाथ के राजेंद्र साहब वाले घटना में भी शायद 3 अरेस्टिंग अभी तक हुआ है और उनका कहना था कि शूटर को भी आइडेंटिफाई किया है और इसी तरह से ये जूस वाले का भी जो मुकेश और उसके भाई की हत्या हुई थी उसमें भी कहा है चिन्हित कर लें। लेकिन हम लोगों का उसके बाद भी कहना कि एक जो पुलिस प्रशासन के प्रति जो संगठित अपराध कर्मियों में जो भय होना चाहिए था वो भय नहीं दिख रहा है और लोगों के विश्वास पर धक्का पहुंच रहा है। तो मुख्य रूप से ये बातें हम लोगों ने बताई है, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, हम इसको पूरी तरह से फेरबदल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम एटीएस को भी इसमें सक्रिय कर रहे हैं, जो जिसका पहले संगठित अपराध कार्य क्षेत्र नहीं था। अब हम लोगों को प्रतीक्षा है, हम लोगों ने न्याय की गुहार की है और ख़ास करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित इसको लक्ष्य बनाया जा रहा है, ये चिंतनीय बात। तो ये सब बातें बताई हैं हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे सांसद सुनील जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर आए और ख़ास करके जिस तरह से चतरा में, बालूमाथ में श्री राजेंद्र साहू जी की दिन दहाड़े हत्या हुई और अपराधियों में खौफ नहीं दिख रहा है, जो पुलिस प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए। जैसे अभी हाल में ही सुभाष मुंडा जी की हत्या, दलादिली चौक में घर में घुसकर हत्या हो गई और जमीन से संबंधित हत्या लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत से जमीन दलाल फल फूल रहे हैं। हम लोगों ने उस बात को भी अंकित किया, डीजीपी साहब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो घटना घट रही है उस पर नज़र बनाए हुए हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत हद तक पहुंचे हैं और जो बचा हुआ है करेंगे। लेकिन हम लोगों ने विशेषकर पूरे झारखंड की परिस्थिति को दर्शाया कि आज जिस तरह से लगातार हत्याएं, बलात्कार की घटना घट रही है, आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना के, नेताओं को निशाना बना के जो हत्या हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ साजिश की बू आती है। उन्होंने आश्वस्त किया है और आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास जो वर्तमान स्थिति है उससे उनको अवगत कराए हैं और आगे प्रतीक्षा करते हैं, उन्होंने जो कहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।